तो पहला चीज आपको नशा आपसे छीनता है, वो छीनता आपका धैर्य शक्ति। नशा जो है पहला अटैक करता है इंसान के किस पे, धैर्य शक्ति पे अटैक करता है। अब कैसे, जैसे ही आप नशा करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आप कहीं भी धैर्य के साथ नहीं रह सकते, हमेशा बेचैन रहेंगे। नशा जब चाहे आपसे जो चाहे वो करवा सकता है। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को कहेगा घर से कूद जाओ, घर से निकल जाओ, बाहर निकल जाए, बाइक जला दो, गाड़ी जला दो। कोई कहेगा बैठो यहाँ पे, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उस समय? उस समय बैठेंगे वहाँ पे? उस समय आप बेचैन रहेंगे, आप वहाँ से भागेंगे। आपको हमेशा क्या चाहिए, नशा चाहिए। और नशा कब चाहिए, एकदम चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो नशा सबसे पहला छीनता है आपका धैर्य शक्ति। अगर धैर्य शक्ति आपके अंदर आ गई तो नशे पे आप धीरे धीरे काबू पा लेते हैं। यहाँ पे रहते रहते आपके अंदर क्या आता है, धैर्य शक्ति। जैसे जब आते हैं ना तो बड़े बेचैन रहते हैं कि घर पे बात करना है, घर से हमको यहाँ से बाहर जाना है, जल्दी छुट्टी मिल जाए। लेकिन जैसे 2-3 महीना रह लेते हैं ना, फिर आपके अंदर धैर्य शक्ति आ जाता है कि हाँ अब अपने आप को समझा सकते हैं। फिर वो जैसे धैर्य शक्ति आता है तो फिर धीरे धीरे समझ आता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हम गलती कर रहे हैं। तो नशा जब भी आप करेंगे, नशा आप पे हावी होगा तो सबसे पहला आपका धैर्य शक्ति पे वो हमला करेगा, वो आपके अंदर नहीं रहेगा। आपको पता रहता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो उसका जुगाड़ कैसे करते हैं आप, मेहनत करके करते हैं नहीं, मार के, चोरी करके, यही सब करके करते हैं, झूठ बोल के। तो ये सब जब हम क्रिया करते हैं उस समय क्या होता है कि हमारा जो धैर्य शक्ति वो खत्म हो गया है। अगर धैर्य शक्ति रहता तो हम कमा के करते। तो नशा जब धैर्य शक्ति पे हमला करता है तब हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में रहते हैं तो हमको बस एक चीज़ सीखने के लिए मिलता है जो सबसे ज़्यादा, वो है धैर्य शक्ति, कि कैसे आपको कम से कम संसाधनों में अपना गुजारा करना है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो दिन का 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार खर्च कर देते होंगे, लेकिन आज आपको 1-1 रुपये का कीमत पता चल रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने घर का कभी चद्दर जो है वो बदले नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी ड्यूटी लगता होगा तो आपको दूसरे का भी चेंज करना होता होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब आते हैं तो आपको कष्ट होता है, लेकिन आप सीखते क्या है, धैर्य शक्ति, कैसे कम से कम संसाधनों में, कम से कम चीज़ों में अपना गुजारा करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है इंसान के अंदर। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना तो उनके अंदर देखिएगा धैर्य शक्ति नहीं होता है। उनको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। अगर किसी बच्चे को बिस्किट पसंद आ गया, चॉकलेट पसंद आ गया तो क्या करता है, जिद करने लगता है, रोने लगता है, नहीं हमको दो, हमको दो, हमको दो, जमीन पे लौटेगा, लड़ेगा, मारेगा, फोड़ेगा, जब तक उसको नहीं मिल जाता। और जब हम नशा करते हैं और हम इसी तरह के क्रिया करते हैं तो हम उसी छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, उसी छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं जिसके अंदर धैर्य शक्ति है नहीं, परेशान है किसके लिए, एक छोटे से चीज के लिए। अब कुछ भी वो हो सकता है नशे का। तो पहला चीज क्या, आपका नशा छीनता है आपसे।